आज जुमतुल विदा है, यानी कि रमजान का आखिरी जुमा। इस मुबारक दिन पर बड़ी तादाद में लोगों ने फतेहपुरी मस्जिद और जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज अदा की और पूरी दुनिया में अमन और चैन की दुआ मांगी। दिल्ली की शाही मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने रमजान के आखिरी जुम्मे का खुतबा पढ़ा और लाखों लोग उनको सुनने के लिए मौजूद थे। फतेहपुरी मस्जिद में तकरीबन 1,00,000 लोगों ने एक साथ जुम्मे की नमाज अदा की और यही नज़ारा जामा मस्जिद का रहा। देखिए जरा आप भी। आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद रोजादारों ने इसराइल द्वारा मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन भी किया। रमजान मुबारक के आखिरी जुमे को जुमा अलविदा कहा जाता है, क्योंकि इस जुमे के बाद फिर रमजान मुबारक की जो मसरूफियात हैं वो कम होती चली जाती हैं और लोग फिर ईद की प्रोग्राम में मसरूफियात में मशगूल हो जाते हैं और अलविदा कह देते हैं रमजान को, और रमजान अलविदा कह देता है मोमिनों को। तो ये एक तरीका समाजी तरीका है, क्योंकि रमजान की जो रहमतें और नेमतें हमको मिल रही हैं वो अनगिनत हैं, उसमें हमें सवाब भी बहुत मिल रहा है और दीनी फायदे भी हैं, दुनियावी फायदे भी हैं। तो जी चाहता है कि रमजान का महीना हर वक्त रहे और हम इसी तरह रोजे रखते रहें, इसी तरह तरावी पढ़ते रहें, इसी तरह सहरी और इफ्तार करते रहें। हर मोमिन का जी चाहता है कि रमजान का महीना बहुत दिनों तक चले, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि अगर रमजान के रोजों के बारे में अगर मुसलमानों को पूरी पूरी मालूमात हो जाए तो मेरी उम्मत यानी मुसलमान ये ख्वाहिश करने लगे, इसमें मुसलमान अल्लाह ताला की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुमे की नमाज के लिए आते हैं। जैसे ही मंजर लगता है जैसे ईद का मंजर, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जुमे की नमाजों में नमाज पढ़ते हैं, दिल लगाकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और रमजान मुबारक में जो हमसे अगर कोई कमी रह गई है, कोई गलती हो गई है, उसकी अल्लाह ताला से माफी चाहते हैं। पंजाब केसरी दिल्ली के लिए संजय वर्मा की रिपोर्ट। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि दिल्ली से जुड़ी पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।